आप, मैं कह रहा हूँ ना कि ईडी जांच करा लो अंजना ओम कश्यप की। आप और बहुत सारे पत्रकार इनकी ईडी से जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा इन चोरों को कितना पैसा दिया गया है। अच्छा, हाँ चोर है इनकी, और चोर नहीं तो कौन है जो भाई थ्रू सरकार के लूट रहे हैं, पत्रकार के रूप में चोर है वो, बहुत बड़े फायदे इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि उनको बहुत मोटा पैसा मिल रहा है। जाने माने नाम है वो। हाँ, जाने माने नाम, इसलिए सुन रही हो अंजना ओम कश्यप, इसीलिए जाना माना उन्हें पैसा मिलता है बहुत मोटा। अंजना ओम कश्यप की अगर कोठियों की गिनती की जाए तो दिल्ली के अलावा कलकत्ता, बेंगलोर में, हो सकता दुबई में, हो सकता अमेरिका में भी कोठी उसकी निकल रही है। कोई आरोप नहीं है, FIR हमारे पास 18 पहले से है, ये 19 भी FIR होगी फिर भी हम लड़ लेंगे, FIR से नहीं डरते हम। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, लिहाजा गरीबों के साथ अन्याय ना करें, किसानों को ना मारें। देखिए पहले इन्होंने कोरोना से लाखों लोग मार दिए, किसानों को देखिए हजारों लोग मार दिए, अभी युवाओं को मार रहे हैं। लिहाजा आप किसी गुफा में जाके आंखें बंद करके ध्यान व्यान करो मोदी जी, ये देश तुमसे नहीं चलेगा। किससे चलेगा ये देश? चलेगा अडानी अम्बानी से। अडानी अम्बानी से मोदी जी इस्तीफा दे दें, अडानी अम्बानी को प्रधानमंत्री बना दें, तो कम से कम दोहरा चरित्र हमारे सामने खत्म हो जाए। देखिए यहाँ का जो असहाय कमजोर किसान लोग है न ये झूठ बोल पाता है, न ये सातिर है, न ये बाजीगर है, ये बाजीगर ही तो देश को लूट रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र है, ये मंच पर कुछ कहते हैं और कमरे में बैठ कर भाजपा के लोग, नेता लोग, मनवादी लोग देश को लूट रहे हैं। अच्छा जी, सब लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे एक नाम गिना दीजिए जो नहीं लूट रहा है। जो नहीं लूट रहा है वो बहुसंख्यक लोग है। यहाँ की संपत्ति 90% लोगों के पास 10% है, और टोटल संपत्ति 90% संपत्ति 10% लोगों के पास है। जो जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिन्होंने यहाँ के रिसोर्स पर कब्जा करके रखा है, वो सब लुटेरे हैं। और लूट में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और बड़े बड़े विभागों के सब अधिकारी शामिल है। देखिए जो मोदी जी कहते हैं उन पर कभी विश्वास मत करिए। अच्छा, नहीं विश्वास करें, वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, उसका ठीक उल्टा होता है। जुमलेबाजी की सरकार, बिल्कुल जुमलेबाजों की सरकार है और वो खुद जुमलेबाज। हम युवाओं को नहीं भड़का रहे, युवा सब पढ़े लिखे सब जानते हैं, युवाओं को हम नहीं भड़का रहे, हम उनसे मना कर रहे हैं कि सरकारी संपत्ति मत टोरो, बाकी आपके हिसाब से काम करो। नहीं, मैंने तो ये बयान दिया था कि मोदी जी आप बिल्डोजर चला रहे हो, अब अग्निवीरों पर भी बिल्डोजर चला दो तब समझ में आ जाए। इनकी औकात नहीं है ना चला दें, औकात नहीं है, एक घर नहीं बचेगा ना, क्योंकि देश के सारे युवा रोडों पे हैं, रेलवे स्टेशनों पर हैं, किस किस पर ही बिल्डोजर चला रहे हैं। कौन? युवा इसीलिए फूक रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय होगा तो जो भूखा, जो देश नहीं फूक रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के लोग घुस करके जला देते हो, कोई पता नहीं इनका षड्यंत्र का। युवाओं से हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग की बत्ती चलाइए, ये मदारी लोग हैं, तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे जमीर के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। आप भारत की संपत्ति न जलाएं, भारत की संपत्ति जलाने से कोई फायदा नहीं है। बस इनके खिलाफ, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ इनकी दुकानों पर जाना बंद कर दीजिए, इनसे संस्कार कराना बंद कर दीजिए, और इनको राम जोहार करना बंद कर दीजिए, इनको सम्मान देना बंद कर दीजिए, और इनको अछूत बना दीजिए भारत में, समझ में आ जाएगा इनकी औकात। देश को बदनाम करना चाहते हैं। पीछे तो हट रही है सरकार, एक सरकार पीछे नहीं हटेगी तो क्या करेगी सरकार? सरकार पीछे ही हटेगी, आगे नहीं बढ़ सकती, चूंकि उसके अंतिम समय आ गया है। धन्यवाद।